That's good, good, good. You reminded. देखो ये प्रॉब्लम में ऐसा करना था, we have to solve this particular problem. Find x if this is what is the problem. What I did, you know, here x into one लिखा, one क्यों लिखा? क्योंकि इधर log, इधर log, इधर log, इधर log नहीं था तो so that one के बदले everywhere base is 10, तो log 10 to the base 10. Plus then I applied the relation log, ये x को टोपी बनाया, ये x को already टोपी बना दिया यहाँ पे. Log to the base 10 is 2x into 1 plus 2 raised to x equal to log to the base 10 5 raised to x into 2 into 6. Now removing log from both side, I got this. Now मुझे एक बात बताओ, do you know the formula a into b raised to x is what? इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताओ? a into b raised to x, if I open what will I get? a raise to x into b raise to x. तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, इधर 5 raise to x इधर लाने के लिए आई राइट दिस इज 2 into 5 raise to x दैट इज इक्वल टू 5 raise to x into 6 एंड देन 2 raise to x into 5 raise to x 1 plus 2 raise to x इक्वल टू 5 raise to x into 6. क्या किया जाए? 5 raise to x दोनों बाजू से कैंसिल, therefore 2 raise to x into 1 plus 2 raise to x equal to 6. इसके बाद का स्टेप तो अभी आप लोगों ने 10th में किया होंगे ऐसे सम. क्या करूं? let 2 raise to x equal to p, therefore p into 1 plus p equal to 6. एक्चुअली तो ये ना ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेट पी इक्वल टू वन, लेट पी इक्वल टू, लेट पी इक्वल थ्री, जहां पे सिक्स आ गया दैट इज द आंसर. लेकिन सॉल्व करते हैं, चलो देयरफॉर पी प्लस पी स्क्वायर, देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस पी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस तीन दूरी छह और पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पी इंटू पी प्लस थ्री माइनस टू इंटू पी प्लस थ्री p equal to 2 or p equal to minus 3, but p cannot be equal to minus 3 and therefore p equal to 2. But what is p? 2 raised to x. x equal to 1 is the answer. मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देता हूँ प्रॉब्लम आपके सामने. बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसके बस आप टेक्स्ट बुक तैयार रखो अपने पास. एवरी वन ऑफ यू शुड कीप द टेक्स्ट बुक रेडी विद पेज नंबर 119 टेक्स्ट बुक पार्ट 2. अच्छा ये संडे को सुनो ध्यान से, देयर विल बी टेस्ट ऑफ. आज जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके ऊपर टेस्ट रहेगा and it will include today's lecture. So all of you prepare very well, get full marks every one of you. Page 119 पे आ जाओ textbook पे और एक बार ruler मारने की जरूरत है इसको. Once. Yes sir. Okay. Okay. Lovely. देखो ये problem था, इसमें मैंने x into 1 लिखा तो 1 के बदले मैंने लिखा log 10 to the base 10, इसको टोपी बनाया और यहाँ पे x को टोपी बनाया वहां पे, फिर मैंने प्लस के हटा के मल्टीप्लाई कर दिया 10 स्क्वायर इनटू 1 प्लस दैट इज इधर भी प्लस प्लस था उसके बदले मल्टीप्लाई, फिर लॉग हटा दिया तो ये मिला मेरे को 10 इज नथिंग बट 2 इनटू 5, 2 इनटू 5 इसलिए लिखा क्योंकि इधर 5 इज टू x था, 2 इनटू 5 इज टू x इनटू 1 प्लस 2 इज टू x इक्वल टू 5 इज टू x इनटू 6, तो 2 इज टू x इनटू 5 इज टू 6, 1 प्लस 2 इज टू x इक्वल टू 5 इज टू x इनटू 6, 5 इज टू x, 5 इज टू x गेट्स कैंसिल, 2 raise to x into 1 plus 2 raise to x equal to 6. Let 2 raise to x equal to p, p, t कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने p लिखा. तो p into 1 plus p equal to 6. तो p plus p square equal to 6. p square p c minus, ये तो solve करना आता है आपको. तो इधर p plus 3 and p minus 2. तो p equal to 2 और p equal to minus 3. But p cannot be minus 3. But p नहीं चाहिए, हमको तो x चाहिए. You put 2 raise to x. p is 2 raise to x equal to 2. 2 is 2 raise to 1. So x equal to 1. I hope that's clear to everyone. Come to page 119. Come to page 119 of the textbook.
पेपर टू पेज 119 ऑफ द टेक्स्ट बुक पेपर नंबर पेपर टू और यू नो इनफैक्ट पहले 119 क्वेश्चन नंबर 20 का डी 20 का डी विल डू 20 का डी मिटा दो सबने कॉपी मारा सभी ने कॉपी मार लिया यस सर ये संडे टेस्ट है भूलना नहीं अरे विधि को बताना पड़ेगा विधि विधि इज नॉट देयर ना विधि आई विल हैव टू इन्फॉर्म हर केमिस्ट्री एंड व्हिच सब्जेक्ट बस एक केमिस्ट्री का टेस्ट रखा है यू वांट सम अदर सब्जेक्ट आल्सो वी कैन ऐड व्हिच हां व्हिच वन यू लाइक टू हैव वन मोर टेस्ट बोलो बोलो 20 का डी पढ़ो जरा 20 का डी पेज 119 टेक्स्ट बुक मास पे जरा पढ़ो बेटा सर इन 3 raised to x minus 2 ब्रैकेट 2x plus 1 raised to 4 अपॉन ब्रैकेट x plus 4 √2x plus 4 into 2 अच्छा क्वेश्चन क्या है व्हाट इज व्हाट यू हैव टू डू विद दिस इसका करना क्या है हमको ऊपर करना ये है एक राइट दिस एक्सप्रेशन इज समवॉट डिफरेंस के रूप में लिखना है आपको मैंने ln बताया था ln क्या होता है ln means log to the base e ln x यानी log और log x means log x to the base बाकी में base 10 रहता है ln का base हमेशा e रहता है ln यानी base is always e अगर base mention नहीं किया है ना तो that means it is e हाँ Anybody got to do? It's very easy. Can I write? This is ln cube root of x minus 2 plus ln or pehle. Chalo, aisa karte hain. This numerator, this denominator. 1 by 3 minus log into 2x plus 4 raised to half. ये सब ये clear है कि नहीं पहले इतना बोलो yes or no ये clear है कि नहीं ये step yes sir तो मेरे को पूछो कि नहीं है समझा सर ये समझे या नहीं yes sir okay so कह रहे this is plus ln Product becomes sum. A log D L. ये समझ में आया? ये समझ में आया? X minus 2. बस ये रखा दम ऐसे ये तो तीस में से एलसीएम नहीं ले सकते हैं बाहर ब्रैकेट में नहीं ले सकते कुछ डाउट है मेरे को पूछो कहीं पर रूलर मारूं क्या माज ओम अजीतू अफीफ प्रिशा नहीं आई प्रिशा इज एब्सेंट प्रिशा इज एब्सेंट
Yes, all of you understood this or no? इसके बाद में आ जाओ कॉपी 28 नंबर 28 सब कॉपी करके रखो कॉपी ओके बिठा दो इसको अरे मिटाऊं क्या यस नो यस नो यस ओके इसके बाद 28 पढ़ो जरा एक्स इक्वल टू लॉग बी सी टू द बेस ए ये मैं करूंगा नहीं आप लोग करेंगे अभी दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू आई वांट टू सी हु डज द फास्टेस्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन है जरा देख बताओ चलो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ऐसा मैंने किया है इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप करेंगे पक्का इसको इसको पक्का करना ही चाहिए All of you are starting. देखो कॉपी मारने से फायदा नहीं है यू विल हैव टू डू आपको अपने आप ट्राई नहीं आएगा चलेगा बट एवरीबडी हैज टू ट्राई कुछ ना कुछ लिखो अपने आप लिखो एलएचएस वन अपॉन वन के बदले देखो ये मैं इधर लिख रहा हूं लॉग बीसी टू द बेस ए एनीबडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई राइट हियर सर माय स्क्रीन इज नॉट क्लियर क्या लिखूं लॉग ए टू द बेस ए बस यहां पे फटाफट करो ऐसे चलो मैंने हिंट दे दिया अभी हिंट दे दिया मैंने फटाफट करो फटाफट ए ए बी सी इसके बाद क्या स्टेप कोई बताएगा इसके बाद क्या स्टेप वन अपॉन इंटर से उल्टा कर दो उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा क्या करेंगे बताओ लॉग ए विल यू राइट ओम मिट्टी वेरी गुड ओम लॉग ए ए बी सी ए बी सी क्या लिखूं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सर ए इनटू बी इनटू सी लो एबीसी की बेस एबीसी क्या होगा सर वन क्लास इट वाज सो सिंपल आप लोग अगर ट्राई करना चालू करोगे ना तो आ जाएगा लेकिन अगर आप पेन चलाने नहीं चालू करोगे तो यू विल नॉट गेट द आंसर 28 के बाद पेज 131 पे आओ पेज नंबर 131
of the textbook. And number 18, I think मैंने दिया था लेकिन आ गया है सबको. 18 log 1 plus 2 plus 3 equal to log 1 into log, वो किया है 1 plus 2 plus 3 is log 1 plus log 2 plus log 3 किया है कि नहीं हमने. चलो कर दे, दो मिनट लगेगा. पेज 131 नंबर 18 2 that log 1 plus 2 plus 3 equal to log 1 into log 1 plus LHS. That is equal to log 6. Actually, number 6 is like 1 plus 2 plus 3 तो भी 6 आता है, 1 into 2 into 3 करो तो भी 6 आता है. Then उसका एडवांटेज लेके we can write. But this is not the general formula for all the numbers. ये मैंने किया था पहले कि नहीं किया था? मैंने शायद होमवर्क दिया था तुमको. Yes sir. Okay, इसके बाद 18 के बाद we'll do 22 on page 131. 2 2 22. मिटाओ इसको. मिटाओ क्या? हाँ सर, आई एम कॉपिंग. ओके 22 सिंप्लीफाई कर रहे हैं. log x raised to 4 minus log x. करो इसको, करो अपने आप करो. I am giving 1 minute. 1 minute में हो जाएगा, इतना सिंपल. 8 minute में हो जाएगा. हो गया. देखो इसको बता दो, मेथड बहुत आसान मेथड है. log x cube आंसर. नो दैट्स रॉन्ग. गुड, प्लीज ट्राई एवरीवन, प्लीज ट्राई. कुछ करो यार तो मजा आएगा सीखने का. log x cube रॉन्ग है तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. बोलो क्या सर? log 4. log 4 इज द राइट आंसर. वेरी गुड ओम. ओम यू आर फैंटास्टिक. Let me just check once again. Log 4 ही है ना? कौन सा नंबर ये? Log 4 is the right answer. If you not do now, देखो इधर देखो. Everyone, tell me यहाँ पे मैं लिखूँ. What is log a minus log b? Formula क्या है? Equal to what? Log what? A fifth. मेरे को बुरा नहीं लगेगा. प्रिशा अंडरस्टूड दिस? प्रिशा खाली यस और नो बोलना है आपको. पांच यस और नो? यस सर. ओके अभी क्या करूं? तेरे कैंसिल लॉग एक्स की टोपी को नीचे उतारूं?
आंसर। और कोई टाई मांगना है तो लॉग टू स्क्वायर यानी टू लॉग टू, ये भी चलता है आंसर। ये लिखो ये लिखो ये लिखो, ऑल थ्री आर राइट आंसर। 22 22 के बाद 23 पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मिटा दूं इसको, मिटाऊं क्या? यस नो 23 23 क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाई लॉग टू द बेस 10 28/45 बेस 10 प्लस 325 अपॉन 432 13/50 कोई मुझे बताएगा क्या करूं एक ही स्टेप में? एक ही स्टेप में मुझे माइनस को भी घुमा दो इंटरचेंज, मैंने बताया था क्या कर देना। 48 इंटू क्या करूं? इंटू क्या करूं? थ्री टू लॉग 325 अपॉन 432 इंटू 325 अपॉन 432 इंटू उल्टा कर देगा 15/13 माइनस हो तो उल्टा रिवर्स कर देगा। ओके, अभी हमको करना है इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। बोलो क्या करूं मैं? देखो मैं क्या करता हूं, मैं आई गो फॉर समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले अपन काटते हैं इसको 15 × 3 = 45 क्या है मैं, दिस इज 15 × 3 राइट, और ये होगा 108 3 108 × 3 = 324 राइट, दैट दिस विल बी 7 × 4 = 28 7 × 5 = 35 राइट, देन दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल 5 × 6 = 30 और 5 × 5 = 5 × 6 = 30 और 2 जाएगा तो 5 × 5 = 25 और दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स 108 × 4 दिस 4 गेट्स कैंसिल और 65 upon 13 = 5 आई थिंक मुझे बताना पड़ेगा ना, रूलर मारना पड़ेगा ना कैसे कैसे किया मैंने। बच्चे लोग नो सर यू अंडरस्टूड दिस, जो भी क्या कैंसिलेशन है बहुत इजी इजी है। यस सर ओके यू विल गेट इट। ओके 23 के बाद कम टू 26 do 26 इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, कैंसिलेशन है जो कि स्कूल का मेथड है, यू कैन डू इट। 26 26 26 आज चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम विल डू लॉग कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं विद अ कैलकुलेटर नहीं बल्कि लॉग बुक से करना रहेगा। लेट आई एक्सप्लेन, सॉल्व फॉर x फाइंड x इफ
कैसे करेंगे इसको? क्या करो? Anybody can take me to the beginning? Sir, you do must do this. What is that you can tell me? Sir, in the right hand side we should. Right hand side में पहले लिखो 2 into 1. And then 1 के बाद लिखो. One के बदले क्या लिखो? I don't understand now. Sir, log x to the base x. That's right. Now I'm taking ng log. So what will I get? चार तिया 12, 6 × 12. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये विल गेट 1/2 or 3/2. Both are right because both give positive answer in this. So even this is answer is right, even this answer is right. Both answers are possible. 26 / 29. एक बार रूलर मारने की जरूरत है इसको, प्लीज टेल मी. रूलर ठगाठग मारूं एक बार? समझ गए हो? माज ओम अफीफ जीतू प्रिशा, एक बार रूलर मारने की जरूरत है? यस सर. ओके, देखो ये प्रॉब्लम था. मैंने 2 के पास परपसली 1 मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके पास लॉग, इसके पास लॉग है, लॉग बिना का है. तो यहां पे मैंने 1 के बदले लिखा, इधर बेस x था, इधर बेस x था, तो लॉग x टू द बेस x. फिर लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी फॉर्मूला अप्लाई किया. ये 2 को टोपी बना दिया. अब मैंने लॉग हटा दिए तो ये आ गया. इसको सिंपलीफाई करना आता है स्कूल मेथड से. ये भी बताऊं क्या मैं कैसे किया? ये आता है आपको? ये आता है आपको कि एक बार बताऊं? यस नो, यस नो. मां जाता है क्या ये करना कि नहीं आता है? यस सर. तो बोलो ना यार. तुम लोग बोलो, बोलने के पैसे नहीं लेके. आई विल बी हैप्पी व्हेन यू स्पीक. ओके, लिखो 29. If log to the base 3 bracket log to the base 2 bracket log to the base 3 x bracket bracket equal to 1, show that x equal to 6561. हमें प्रूव करके दुनिया को बता रहे हैं कि x का वैल्यू 6561 होता है. लॉग तो वैल्यू ये हुआ है. क्या करें? फर्स्ट स्टेप एनीबॉडी. So we will shift log 3 to the right side. That is not a right method. जो मैंने सिखाया है वो कभी नहीं सिखाया, shifting method. वो मैंने कभी नहीं सिखाया. One को भगाना है, log लाना है. इधर log है, log नहीं है इधर. इधर log लाओ. क्या करो log लाने के लिए? Log 3 to the base 3 लूँ या log 2 to the base 2 लूँ या क्या करूँ?
Afif, Prisha, Jitu. Sir, log 3 to the base 3. देखो ये 3 है ना, ये 3 को भगा गए तो इधर log 3 to the base 3. अपना problem ये 3 है. So now take anti-log on both sides. So क्या आएगा therefore? Equal to क्या लिखूं? 3, क्योंकि log to the base 3 का है. ये 3 तो रहेगा, ये 3. अब क्या करूं बताओ? अगला स्टेप क्या करूं? प्लीज टेल मी. 3 into 1. मैं जरा ज्यादा स्टेप लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो. 1 के बदले क्या लिखूं? log to the 2 to the base 2. क्योंकि मुझे log 2 भगाना है. ये देखो base 2 वाला लास्ट में, इसको भगाना है. तो डोंट टेक एंटी log. नहीं, पहले 3 को ऊपर ले जाएंगे. टू क्यू नॉट टेक एंटी लॉग. देयरफॉर क्या आएगा? एट. नाउ टेल मी, इधर 8 इंटू 1 लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूं? क्या लिखूं? 1 के बदले क्या लिखो? log 3 to the base 3. मैं आई डोंट कॉपी द सॉल्यूशन गिवन इन द टारगेट, आई डू बाय माय ओन मेथड. इसके बाद देयरफॉर लास्ट आंसर क्या बताओ? सो x is equal to 3 raised to 8. That is 3 square raised to 3 raised to 4 ka square. What is 3 raised to 4? To overall hi aata hai. 3 square is 9. So 9 into 9, 81. It's the must. चलो 32 में बहुत डेंजरस कैलकुलेशन है. 32 लुक्स डेंजरस बट दे आर नॉट डेंजरस. एक बार रूलर मारने की जरूरत है. प्रिशा, ओम, मार, जीतू, अफीफ, जरूरत है इसमें? जीतू मार, नो सर. ओके ठीक है. कुछ भी डाउट है पूछने का, बिंदास पूछने का, डरने का नहीं जरा भी. और लोग क्या कहेंगे वो भी सोचने का नहीं. लोगों को जो कहने करने दो, पेपर तो अपने को लिखना है. लोग थोड़ी आएंगे पेपर लिखने. शो दैट दिस इज 32. बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है ये. मतलब डेंजरस है, इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है. क्या रही है? लेट्स जस्ट स्टार्ट करते हैं. फिफ्टीन अपॉन सिक्सटीन रिस्ट क्या लिखूं वो बताओ आप लोग. सेवन. इधर क्या लिखूं? सेवन. इधर सिक्स. इधर फाइव. इधर कुछ नहीं, वन. यहाँ पे अभी सोच समझ के चलना है.
15 में 3 देखो इधर 3 है इधर 5 तो 15 के बजाय 3 into 5 लिखता हूं इधर 2 है तो 16 16 का 2 से कुछ चक्कर है क्या टेल मी हमारे पास लेस देन अ मिनट हो रहा है इसको 2 raise to 4 2 upon 2 raise to 4 और 8 is 2 raise to 3 This is 2 raised to 2 upon 5 raised to 5. And 32 ka calculation kaise hoga? 32 mein 4 aur 8. Aur 2 raised to 5. This is 5 raised to 2. Bas isko simplify kar lo. Simplify kar lo isko ekdam aaram se. Ab hamara ye set complete nahi hoga but this is very simple now. 3 raised to 7 into 5 raised to 7 into 2 raised to 18, 2 raised to 5 into 2 raised to 5 upon 2 raised to 28, 3 raised to 6, 5 raised to 5 into 5 raised to 2. 5 raised to 5 and 5 raised to 2 is 5 raised to 7.